नमस्कार, मैं रजनीश हूं और मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में हूं और मेरे साथ दो बड़े ख़ास मेहमान हैं। नेपाल की यंग एक्ट्रेस ये ऋचा शर्मा हैं और ये सुरक्षा पंत हैं। नमस्ते। तो ऋचा शर्मा नेपाल की लीडिंग एक्ट्रेस मानी जाती हैं। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं सुन केसरी, लूट, दलक गंज, दुलके, दुलके। और ये जो सुरक्षा पंथ हैं स्ट्रगलर हैं और अभी ये एक्टिंग में कोशिश कर रही हैं जमने की, पांव जमाने की, लेकिन इन्होंने भी कई फिल्में की हैं, अजय पानी, सुस्केरा, धनपति, बैरे। तो हम आपसे बात करेंगे कि जब भारत के लोग, जो भारतीय दर्शक हैं जी, वो पाकिस्तान की फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, बहुत व्यापक है, वहाँ पर फिल्मों में काम होता है, नेपाल की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या अभी भी मतलब खड़ी हो रही है या खड़ी हो चुकी है, क्या किस पोजीशन में अभी है? जी देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम अभी बहुत यंग हैं। अगर आप इंडिया से हमें कंपेयर करेंगे तो बॉलीवुड इज़ ऑलरेडी लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे है अभी। हमारी इंडस्ट्री इज़ ऑलमोस्ट 50+ years old, है ना, 50 साल हो गए नेपाली फिल्म को इस्टेब्लिश हुए हुए, और बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमा नेपाली फिल्म इंडस्ट्री ने बनाई है जो बहुत आगे गई हैं वर्ल्ड सिनेमा कॉम्पिटिशन्स में, और नेपाल में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक ट्रांजिशन फेज में है अभी नेपाली फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन एकदम रैपिडली ग्रोथ हो रही है। मैं सुरक्षा देखता हूँ कि जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है या फिर हॉटस्टार है, वहाँ पे तमाम दुनिया भर की फिल्में होती हैं, लेकिन नेपाल की शायद मुझे नहीं देखी, क्या वजह है? आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव। आपको हिंदी आती है, बोल सकती हैं हिंदी में भी? नो नो, आई वुड लव टू टॉक इन हिंदी। कल आपसे बात हुई थी तो आप बोल रहे थे अच्छी हिंदी। इतनी अच्छी हिंदी बोलती हैं। अभी पेमेंट गेटवे इतना ईजी नहीं हुआ है नेपाल में, दैट्स द मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज कॉन्टेंट वाइज, आइडिया वाइज, वी हैव ऑलवेज बिन क्रिएटिंग क्रिएटिव स्टफ्स एंड वी हैव पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ कोर्स, लेकिन वो पेमेंट गेटवे की थोड़ी इश्यू होती है। और अभी भी आई थिंक ग्लोबल सिनेमा वर्ल्ड में नेपाल की सिनेमा को देखने की जो नज़रिया है वो अभी भी इतना चेंज नहीं हुआ है। सो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम, उतना इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक देयर इज मेजर प्रॉब्लम। यहाँ का जो एक जो ऑडियंस है, जो दर्शक वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्में देखता है? हिंदी फिल्में देखता है, नेपाली फिल्में देखता है, या फिर कौन सी फिल्में देखता है? देखिए, वो तो ऑडियंस में डिपेंड करता है, लेकिन आप मास की बात करें तो नेपाली फिल्म देखने वाले दर्शक भी बहुत सारे हैं, बट ऑफकोर्स वी आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स बॉलीवुड सिंस आवर चाइल्डहुड। आप हमारी हिंदी लैंग्वेज भी देख सकते हैं, ये भी बहुत हम इन्फ्लुएंस हुए हैं हिंदी सिनेमा से, तभी हम इतना फ्लुएंट भी बोल सकते हैं। बॉलीवुड पे भी इन्फ्लुएंस हॉलीवुड का है, वो तो इन्फ्लुएंस पड़ना एब्सोल्युटली, वो तो हमें हॉलीवुड का भी इन्फ्लुएंस है, बॉलीवुड का भी, और हम इतने नज़दीक के राष्ट्र, दो राष्ट्र हैं, तो इसीलिए आई थिंक बॉलीवुड का बहुत ही इंक्लाइनेशन है, डेफिनेटली उसको नकार नहीं सकते आप। पर अभी जो जमात है नेपाल में, उनको ये जो नेपाली सिनेमा जो बना रहे हैं अभी मेकर्स, उनमें उनको उन्होंने बहुत प्यार दर्शाया है, तो ये आप मतलब हाँ, हिंदी फिल्म के अपने ही दर्शक हैं, इंग्लिश फिल्म के अपने ही दर्शक हैं, नेपाली फिल्म के और अभी दर्शक बढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे दर्शकों को केटर कर रहे हैं सिनेमा थिएटर तक, तो हम ऐसे ही नहीं कैटेगराइज कर सकते कि कौन सी सिनेमा ज़्यादा देखते हैं, बट हाँ फैंस हैं। कोई एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल एक्टर है, तो उसको तो चाहिए, पैसे तो चाहिए होते हैं, उसकी एक अपनी मेहनत होती है, स्टडी होती है, तो क्या वाजिब कीमत मिलती है या फिर अब भी लोग टरकाते हैं? हमारे लोग, हम नेपाल के जो लोग हैं, हम छोटी छोटी खुशियां में वी आर हैप्पी विद दैट। एक्चुअली हमें इतना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, वी आर वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट एक्चुअली। सो अभी हम एक प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन वैल्यू नहीं बढ़ा, it's not, I'm so sorry for my Hindi, it's not getting bigger and bigger, that's why uske percentage wise jitna bhi humko milta hai we are happy. जैसे जो आपकी लूट फिल्म है, उसको बनाने में कितना कितना का बजट था, क्या बजट रहा होगा? वेल लूट, मुझे लगता है वो जब फर्स्ट लूट वाज मेड
इट वॉज नॉट एज मच लाइक आप आई सी में बात करें तो मुझे लगता है 50 लाख आई सी में लूट बना, हाँ, और इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉक बस्टर ऑफ ऑल टाइम. बहुत पैसे कमाए लूटने नेपाल कमाए, आई थिंक 10 करोड़ आई सी आउट ऑफ. कितना मिला? मुझे बहुत अच्छा मिला और उसके बाद बोनस भी मिला जब हाँ जब ये मूवी ब्लॉकबस्टर बन गया. मगर लूट मतलब आप मेरा करियर का एकदम इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं. अभी अभी इट्स बीन 10-13 years नाउ आई कैन डिमांड, नाउ आई कैन से इफ़ यू डोंट पे मी दिस मच देन आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. देखिए सिनेमा आपको दो चीज़ देती है, या पैसा देती है या नाम देती है, अच्छा काम देती है. आपको चूज़ करना है, आपको एकदम अच्छा काम करना है या एकदम पैसे के पीछे भागना है. मुझे लगता है आप अच्छा काम करें तो पैसे अपने आप आपके पीछे भागती है. नेपाली सिनेमा के बारे में ये समझना चाह रहा था कि जैसे हिंदी में फिल्में बनती हैं तो वहाँ कहा जाता है कि वहाँ महिलाओं का जो विमेंस है उनका कमोडिफिकेशन कर दिया गया है, उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में सबसे ज़्यादा पेश किया जाता है. क्या नेपाली सिनेमा जिस रूप में भी है वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है? देयर इज़ समवॉट इन्फ्लुएंस बिकॉज इट्स बीन इन द रूट्स. ये बहुत पुरानी माइंडसेट है जिसको चेंज करने के लिए हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक श्योर दैट फीमेल विल बी एक्नॉलेज्ड, दे विल बी परसीव इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल, देयर एक्टिंग एंड द पोटेंशियल दे हैव टू एक्ट. सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. वो रूट्स है उसको चेंज करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा. अभी भी है नेपाल में वो इन्फ्लुएंस है, अभी भी सिनेमा बनती है जहाँ पे women are used as commodity. Absolutely. It's there, but there are also many female actors who are trying to break that stereotype. There are actors who does not run for money, actually, who are very passionate about art. They are trying to break the stereotype. India mein sabse acha aapko actor ya actress kaun lagte hain, jinko jinki acting aapko lagta hai ki bahut hi lajawab acting karte hain, waisa aap karna chahti hain? Aap dono se ye sawal puch rahe. It's been changing, stable nahi hai, nahi phir bhi do char naam to le sakte hain. Abhi is waqt I think Rajkumar Rao aur Ayushman Khurana wo log kuch aisa सिनेमा कर रहे हैं जो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ फेवरेट इन नेपाल एज वेल. उस टाइप के सिनेमा नेपाल में भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. द पोटेंशियल दैट काइंड ऑफ सिनेमा हैज़. एक्ट्रेस में और एक्ट्रेस में पर्सनली मेरा फेवरेट राधिका आप्टे, तापसी पन्नू, देर आर मैनी वी एब्सोल्युटली गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दोस. और डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर में? फिल्म डायरेक्टर्स में I don't know, there are so many whom to name. Aap bataiye. I think Rajkumar Hirani is my ever so favorite director. He's made amazing cinemas. But Anurag Kashyap and Sanjay Leela Bhansali, I mean they make great cinema, you know. Okay. When aap jab dekhte ho to aapko feel hota hai ki I wish hum bhi aisa kuch bana paaye, hai na? As an inspiration. But aap actors ki baat kare to mere liye to my ever so favorite has been Rekha ji. I really admire her. तो रेखा जी का गाना कुछ याद है आपको? नहीं, गाना याद होगा मत गवाएं, अभी कोई इंटरव्यू नहीं दिखेगा हमारे सुरक्षा को याद है. हम एक्टिंग करते हैं आपको तो आप, मुझे लगता है आप गाती भी होंगी इन आंखों की मस्ती में. तो गा ही दीजिए. नहीं, गाना तो नहीं आता, बट आई नो द लिरिक्स, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. आई आल्सो लव रेखा जी. क्या आपको भी लगता है कि सो कॉल्ड नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट कुछ है, खास करके 2016 में जो ब्लॉकेड हुआ और जो तमाम तरह की चीज़ों, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया जा रहा था तो कहा गया कि इंडिया प्रेशर डाल रहा है, तो इन सब वजहों से क्या वाकई चाइना वर्सेस इंडिया नेपाल में कुछ चल रहा है फिर या फिर पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक इलेक्टोरल इशू है? देखिए ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि एक इंटरव्यू में ये हम नहीं समेट पा सकते ऑनेस्टली. लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, ऐसा कोई एंटी इंडिया एंटी चाइना हम एज हम जो जनता हैं, मुझे लगता है हम पॉलिटिकली अपडेटेड हैं कि क्या हो रहा है. और जो हम सरफेस लेवल हो रहा है नहीं, जो सरफेस लेवल से हम देखते हैं डेप्थ में, गहराई में नहीं, कि व्हाटएवर वी सी फ्रॉम द सरफेस लेवल ऑफ कोर्स दैट हिट अस. जो ब्लॉकेड हुआ उसने हिट किया, सबको किया, क्योंकि हम बहुत डिपेंडेंट हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, कि हम अपना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं. जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए आप देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम बहुत डिपेंडेंट हैं. तो ऐसे में अगर ब्लॉकेड हो जाए, है ना, एकदम नॉर्मल से बेसिक चीज़ें आना बंद हो जाए, पेट्रोल नहीं है, हाँ, नहीं कुछ भी नहीं है, तो ऑफकोर्स सेंटिमेंट्स तो हर्ट होंगे, डेफिनेटली होंगे.